जब आप सोचिए, लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं और फिर आप खड़े होकर चलते हैं तो आपके घुटनों की स्टिफनेस बढ़ जाती है और आप सीधे नहीं हो पाते, ना ही आप चल पाते, इस तरीके से आप चलते हैं। अगर ऐसी समस्या आपके साथ है और आप लंबे समय तक उठने के बाद एक बार सोचते हैं कि मैं सही से चल पाऊंगा, या आपको ये समस्या रहती है कि मेरा पेन अब बढ़ जाएगा, यानी स्टिफनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है आपके घुटनों में कि आप नॉर्मल चल ही नहीं पाते काफ़ी देर तक, अगर ऐसी समस्या है तो मैं बताने वाली हूँ सिर्फ एक एक एक्सरसाइज हर एक सिचुएशन में। या आप ऑफिस में बैठे हैं, या आप किसी फ्लाइट में बैठे हैं, या आप घर में बैठे हैं, तब किस तरीके से आप अपने घुटनों को दर्द से बचा सकते हैं, लंबे समय तक उठने के बाद किस तरीके से आपको उठना चाहिए ताकि आपके घुटनों की स्टिफनेस है वो एकदम चली जाए। और जिन लोगों के हिप्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है, हिप्स में पेन आता है, तो लंबे समय बैठने के बाद उन्हें किस तरीके से उठना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है, या तो घुटनों में आपको चोट लग गई हो, किसी तरह की इंजरी हो गई हो, या आपको अर्थराइटिस की समस्या हो। अर्थराइटिस मीनिंग ये है कि आपका जो सैनोवियल फ्लूड होता है आपके जॉइंट्स के बीच में वो कम हो गया, या आपकी कार्टिलेज जो होती है जॉइंट्स के बीच में वो डैमेज होना शुरू हो गई है, तो आपको अक्सर पेन आने लगता है और स्वेलिंग बन जाती है। इस सिचुएशन में जब आप लंबे समय तक चेयर के ऊपर बैठते हो और फिर खड़े होते हो तो वहाँ पे स्टिफनेस बढ़ जाती है, मतलब आपका जॉइंट एकदम, जैसे चलने की कोशिश आप करेंगे तो आपका जॉइंट जो है फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता, वहाँ लगता है कि वो शायद जम गया है, कुछ चीज जम रही है जो आपके घुटने से आपको चलने नहीं देती आगे, मतलब एक रुकावट पैदा करती है। तब आप क्या करते हैं, अगर चलने की कोशिश करी तो एकदम से वहां पे पेन आ जाता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगी। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तब आप चलने की कोशिश करें, सबसे पहले समझ लीजिए ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, सोचिए अगर आपके घुटनों में किसी भी तरीके की इन्फ्लामेशन चल रही है, जैसे मैं बात करूं कि अगर आपका सैनोवियल फ्लूड सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, सही तरीके से वहां पे आता नहीं है, जितना उसको होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में वहां पे आ नहीं रहा है, तो ये प्रॉब्लम तब हो जाती है क्योंकि फ्लूड वहां पे नहीं है, तो आपके जॉइंट्स के बीच सूखा हो जाता है। अब जैसे आप बैठे हैं तो जो लिक्विड होता है, जितना भी तरल पदार्थ होता है, जिसको चिकना पदार्थ भी कहते हैं, जॉइंट्स के बीच में होता है, जब हम बैठते हैं तो वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है, क्योंकि आप इस तरीके से बैठे हैं, ग्रेविटी उस चीज को खींच लेती है। अब जब आप घुटने को बेंड करके बैठे, इस तरीके से बैठे हैं, तो आपका घुटना थोड़ा सा खुला हुआ होता है, जिससे वहां पे सूखापन आने लगता है, क्योंकि पहले ही अगर आपके घुटने में इन्फ्लामेशन है, यानी कि आपकी वात प्रकृति है, आपके अंदर जो वायु है वो प्रकुपित हो रही है, अगर आपको घुटने की समस्या आ रही है, जॉइंट्स की समस्या आ रही है, तो उस चीज पे आपको काम करना चाहिए, यानी आपकी डाइट कैसी है तो उस पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्या चीजें आपको खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए। इसमें आप मेरी हेल्प भी ले सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट sumanhealthcity.com पे जा सकते हैं अगर आप डाइट लेना चाहते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि अब ये सूख क्यों जाता है, क्योंकि आपका वहां पे जो जरूरी लिक्विड वो नहीं है, दूसरा वहां पे इन्फ्लामेशन हुई है, घाव बन गए हैं। अब घाव क्या करते हैं, वो स्कार बनने की कोशिश करते हैं, घाव हील होने की कोशिश करते हैं, जैसे ही वहां पे हल्का हल्का स्कार आ जाता है, तो अगर आप इस तरीके से बैठे हैं तो हमारा अगर स्कार आ गया, सूखापन आ गया, तो हम अगर उठते हैं तो इस तरीके से हमें पेन महसूस होता है, स्टिफनेस होती है। अब चलिए मैं बताती हूँ जल्दी से एक्सरसाइज बिना देर किए, कि सबसे पहले उठने से पहले आपको थोड़ा सा चेयर पे आगे आ जाना है, इस तरीके से आ जाइए। अब आपको क्या करना है, हर एक लेग से, या जिस लेग में आपका ज़्यादा पेन होता है, आपको उस तरीके से उस लेग को धीरे धीरे आगे खिसकाना है ऐसे, और फिर पीछे लाना है, या आप धीरे धीरे कर रहे हैं, और आप वेट भी अपना नहीं ले रहे अपने घुटनों के ऊपर, यानी नॉट वेट बियरिंग काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी आप इंफॉर्मेशन भेज देगी ब्रेन को कि यहाँ पे लिक्विड भेजो, यहाँ की मूवमेंट शुरू हो गई है, तो यहाँ पे एकदम से वो लिक्विड भेजना शुरू करता है, बॉडी लिक्विड भेजना शुरू करेगी, यानी चिकना जो पदार्थ होना चाहिए उसको भेजना वो शुरू करते हैं। ऐसे ही दूसरी लेग के साथ करना है। अब धीरे धीरे आपके घुटनों की चिकनाहट बढ़नी शुरू होती है, क्योंकि हमारी बॉडी हर हालत में अपने आप को बचाना सोचती है, किसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, तो वो सोचेगी कि मुझे चोट नहीं आनी चाहिए, मेरा दर्द नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसलिए जब भी हम हल्की फुल्की मूवमेंट करेंगे तो वहां पे अगर लिक्विड की कमी है, चिकना पदार्थ जो होना चाहिए वो आना शुरू हो जाएगा।
अब इस तरीके से आप थोड़े से फ्लेक्सिबल महसूस करेंगे यहाँ से, और जब ऐसा 5 से 10 सेकंड करने के बाद आप धीरे से खड़े होंगे तो आपको इतना ज्यादा पेन नहीं बढ़ेगा या आप आसानी से ऐसे चल सकते हैं। अब सेकंड चीज पे आते हैं। अब अगर ऐसा हो कि आपके पास स्पेस ही ना हो, यानी कि आप फ्लाइट में बैठे हैं, फ्लाइट की चेयर आपने देखी होगी कैसी होती है कि आपके घुटने हैं, लेग है, उनके सामने स्पेस ही नहीं है और आपके घुटने पहले से ही दर्द कर रहे हैं, आपने सिचुएशन में रखा हुआ, आप उनको फैला नहीं सकते, इधर उधर नहीं कर सकते, तो तब आप क्या करेंगे? 1 से 2 घंटा अगर बैठे भी हो गए हैं तो तब आपको अपने घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, वहां पे तरल पदार्थ को वापस लाने के लिए अपनी एडी को उठाना है। इस तरीके से उठाते रहिए, फिर पंजों को उठाइए, एडी को उठाइए, पंजों को उठाइए, यानी अपनी मूवमेंट आपने करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये स्टिफनेस बढ़ जाती है, बढ़नी शुरू हो गई है, अकड़ाहट बढ़ रही है, तो वो नहीं होगी और आप आसानी से 2 से 3 घंटे के बाद भी नॉर्मल चाल से चल पाओगे। इस तरीके से आप बार बार करते रहिए, हर आधे घंटे में कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए ये जरूर करें। इस तरीके से अपनी एड़ियों को उठाते रहिए, फिर पंजों को उठाइए, एड़ी को उठाइए, पंजों को उठाइए, ऐसे आप बार बार करते रहेंगे तो पेन आपका नहीं बढ़ेगा। अब चलिए बात करते हैं, अगर आप घर में हैं तो क्या कर सकते हैं। वैसे तो ये एक्सरसाइज भी घर में भी कर सकते हैं आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ फ्लाइट के लिए है या फिर ऑफिस के लिए ही है, ये भी घर में करें। तीसरी एक्सरसाइज भी आपको बता देती हूँ। जब आप घर में होते हैं, चाहे आप बेड के ऊपर बैठे हैं या सोफे के ऊपर बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो इस तरीके से अपने लेग को फैला लीजिए। अब आप क्या करेंगे, अपने घुटनों का ग्रीस मेंटेन करने के लिए, अगर आपके घुटनों में ग्रीस की कमी हो रही है तो उसको वापस से लाने के लिए, अपना पेन रिलीव करने के लिए, सबसे पहले तो आप इस तरीके से स्लाइड करते रहिए लेग को और वापस, ये कम से कम 10 से 20 सेकंड दोनों लेग के साथ करना है, ऐसे इस तरीके से ये करेंगे। और एक बार आप क्या करेंगे, कमर सीधी कर लीजिए, इस तरीके से कमर सीधी कर लीजिए। अब अपने पंजों को ऐसे पकड़ लीजिए और ध्यान रखिए ऐसे बैंड नहीं करना है कमर को, ऐसे अपनी नेक को भी सीधा रखना है। अब अपने पैरों के पंजों को खींचो आगे की तरफ, अपनी तरफ खींचो, अपर बॉडी को ऐसे नहीं ले जाना है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों की कमर में भी दर्द हो, उनका कमर का दर्द बढ़ जाए। आपने क्या करना है, ऐसे पंजों को पकड़िए, अपर बॉडी को आगे ऐसे नहीं झुकाना है, आपने पंजों को खींचो, इस तरीके से पैरों के पंजों को खींचो, बार बार खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे उठाना नहीं है आपको, टच होना चाहिए आपके बेड से, आपकी जो एडी है आपके बेड से टच होनी चाहिए, इस तरीके से ऊपर नहीं उठाना है। अब इस तरीके से आपने खींचना है, स्ट्रेच देना है, इस तरीके से आप इसे स्ट्रेच दे के देखिए, आपकी पिंडलियों में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर आपकी पिंडलियों में थकान रहती है, और कई बार ये पिंडलियां ना बहुत टाइट हो जाती है जिनके घुटनों में दर्द रहता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं चल पाता, तो इनका मुलायम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसा करने से काफी आराम महसूस होगा, एकदम से आपकी पिंडलियां खुल जाएंगी, आपको रिलीफ महसूस हो रहा होगा, टाइटनेस एकदम चली जाएगी और काफी दर्द में भी आराम आपको महसूस होगा। ऐसा लगेगा आपको कि आपकी लेग्स में एकदम से जान बढ़ गई है। जान ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है, यहाँ पे ब्लड का फ्लो है वो तेज होने लगता है। तो अगर ब्लड का फ्लो आपकी इस वाले एरिया में तेज हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो आपकी स्टिफनेस भी चली जाएगी और जो भी आपको जैसे ग्रीस की समस्या, कुछ भी समस्या है, मतलब पेन बढ़ रहा है, तो वो सब भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आप डेली करें, ऐसे नहीं कि एक दिन कर लिया और 15 दिन नहीं किया, आपको डेली करना चाहिए और अपने डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।